साथियों, मैं भाई कुमार अनिल साहब से स्वागत करते हैं। जैसे कि बीएस कॉलेज में हम लोग आए हुए हैं और टेक का काम जोर शोर से चल रहा है, आज से बंद हो चुका है, तो उसी को हम लोग आए थे आज थोड़ा देखने के लिए कि बच्चा लोग के बताए क्या है नहीं। 300 मीटर का टेक चल रहा है, यहाँ के जो अधिकारी है, जो लेबर है, उस सबसे बात हुआ, उन्होंने हमें बताया कि 300 मीटर का टेक बंद, 300 मीटर टेक रहेगा, 300 मारना है 5 रो और उसके बाद 100 मीटर का फिनिशिंग लाइन देना है, ये कॉर्नर से लेकर वहाँ सामने आता, सामने के बाद फिर सीधा फिर साइड के बाद फिर अपने कॉर्नर पे, कॉर्नर पे आप लोग हाई जंप, गोला और लॉन्ग जंप कराया जाएगा। बाकी सब डॉक्यूमेंट का जो भी काम होगा यहीं से किया जाएगा और ये इसको पूरी तरह चारों तरफ से घेर दिया जाएगा। जहाँ तक बात इन लोग से हुआ है तो ये लोग बताए हैं कि चारों तरफ से, जैसे कि टेक का काम कर रहा है, अंदर भी सब जीता होता है, सब साफ हो रहा है। साफ हो जाने के बाद कल से ट्रेक ये दिखाइए, कल से ट्रेक ये बनाया जाएगा 300 मीटर का 3 राउंड, यहाँ पे कोई भी राबिश वगैरह कुछ नहीं लगने वाला, केवल ये जो है ट्रेक इसी को घुमा दिया जाएगा नाप का 300 मीटर का, और 300 मीटर के बाद आप लोगों को 300 मीटर मारना है, उसके बाद 100 मीटर यही इसका ट्रेक का, यही ट्रेक का मेजरमेंट है अभी तक जहाँ तक पता चला। जो भी अधिकारी है उन से भी हमको बात हुआ है, यहाँ पर जो लेबर है उनसे भी बात हुआ है, तो बोले कि नहीं बहुत अच्छा ट्रेक बन रहा है, लेकिन आप लोग जो गर्दनीबाग ट्रेक था वो 5 राउंड नहीं, यहाँ 100 मीटर अधिक खींचना है, और हाई जंप का जहाँ तक बात चला है तो गड्ढा पर होगा। जो भी यहाँ के लेबर हैं वो सब भी बता रहे हैं कि नहीं गड्ढा पर होगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, यह सब कुछ जो वहाँ था सेम प्रक्रिया यहाँ भी होगा। जय हिंद।